हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटास्टिक डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीसी एकेडमी रमजान टी20 की बात करेंगे, जो कि मैच होगा द विजन सिपिंग और दुबई डेड डेल्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कप्तान और वाइस कप्तानशिप के लिए बेस्ट रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटास्टिक टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये टूर्नामेंट हम लोग पूरी कवर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ से आपको और भी कई सारी टूर्नामेंट के वीडियोज मिलने वाले, जैसे कि हम लोग यहाँ पर गुवाहाटी वुमेंस टी20 कवर करें, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर महाराष्ट्र टी20 भी कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी कई सारे लोकल टूर्नामेंट चल रहे हैं, सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, साथ ही मैं टेलीग्राम से जुड़िएगा, क्योंकि इस मैच की और आगे आने वाली सारे अच्छे मैचेस की फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लीग की ग्रैंड लीग की जो टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की। तो ये मैच रात को 11 बजे आईसीसी एकेडमी दुबई यूएई में खेला जाएगा। जहां पर पिच रिपोर्ट की बात करें तो ओवरऑल बैटिंग के लिए अच्छी पिच है। देखो यहाँ पर रन्स की बात की जाए तो अच्छे खासे रन पाते हैं। अभी देखो लास्ट मैच की बात करें तो दोनों ही टीम ने जो अपनी अपनी लास्ट मैच खेली है तो वहाँ पर दोनों ही ने 200 पार का आंकड़ा किया। टीवीएस ने यहाँ पर 226 किए थे और डीडीडी ने दुबई डेल डेविस ने 219 किए थे। तो दोनों ही टीम के पास पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जीतने के चांसेस टीवीएस के रहेंगे, क्योंकि इनका जो डीप मतलब जो बैटिंग ऑर्डर में बहुत सारा डीप है। मतलब दो प्लेयर तीन प्लेयर फेल हो जाते तो भी कोई ऐसा प्लेयर है जो कि यहाँ पर एक बड़ा स्कोर कर में अपने स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील कर सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टीवीएस के पास बहुत डेप्थ है, तो कहीं ना कहीं जीतने के चांसेस भी उनके ज़्यादा है। और ज़्यादातर पहले बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहता है, और टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर द विजन शिपिंग की। एक मैच खेली है और जीत करा रही है। ओपनिंग में कौन है? उबैदुल्ला मोहम्मद और इनके साथ यहाँ पर शाहबाज अली ने ओपनिंग करवाया, जहाँ पर शाहबाज अली ने 42 रन किए थे लास्ट मैच के अंदर और उबैदुल्ला मोहम्मद ने 2 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई थी, जहाँ पर विकेट नहीं मिला था इनको। मतलब बैटिंग से 6 रन किए थे। अभी देखो ये जो प्लेयर है ना, अभी रिसेंटली एक आईसीसी अरेबियन टी20 करके एक टूर्नामेंट खेला गया, वहाँ पर मैंने एक मैच के अंदर इनको कप्तान भी किया था। एक्सेप्टेशन है, देखो ये इनका क्या ना, बैटिंग ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है। ये यहाँ पर ओपनिंग करवाएंगे तो अगली मैच के अंदर हो सकता है यहाँ पर बैटिंग भी नहीं आएगी, इनका कुछ ऐसा ही था। पिछली टूर्नामेंट के अंदर शुरुआत की मैचेस के अंदर काफ़ी नीचे खेले, फिर अचानक से यहाँ पर इन्होंने ओपनिंग करवा ली, तो ऐसा ही कुछ है। ये कभी ओपनिंग करवा लेते, कभी यहाँ पर 8वें नंबर पर खेलते, कभी कभार इनकी बैटिंग भी नहीं आती है। तो बैटिंग से एक्सेप्टेशन बहुत कम रखिएगा, लेकिन बॉलिंग हर मैच के अंदर करवा सकते हैं, तो ट्राई ले सकते हैं। यहाँ पर शाहबाज अली इंपॉर्टेंस रहेंगे, ये बंदा ओवर्स करवाना चाहिए था तो ये ओवर्स नहीं करवाया। बाकी कंसिस्टेंट यहाँ पर बॉलिंग से आपको हर मैच के अंदर ऐसे एडवांटेज देगा। इसके अलावा से जिसान आबिद की बात करते जो कि 74 रन की, अभी रिसेंटली ये बंदा अच्छा फॉर्म में, हालांकि इनका भी बैटिंग ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है, लेकिन पिछली दो टूर्नामेंट की बात करो तो ये वन डाउन में खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी के लिए आप लोग इनको ले सकते हैं। दिखेंगे आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से, तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अली आबिद ने 300 रन किए, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे आप लोग एक्सेप्टेशन कर सकते हो, काफ़ी तगड़ा प्लेयर है और यह आपके लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड रहने वाला है। ध्यान में रखिएगा, इनको हो सके तो अपनी टीम के अंदर शामिल जरूर करना है। इवन मेरी टीम के अंदर तो रहने वाले हैं यहाँ पर स्मॉल लीग की टीम के अंदर। नासिर फराज का पिछला टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा था, यहाँ पर 4 विकेट एक बार निकाली थी, यहाँ पर भी शुरुआत के अंदर इन्होंने 56 रन किए, साथ में 3 विकेट निकाली, तो कहीं ना कहीं अच्छा फॉर्म में। हालांकि बैटिंग से एक्सेप्टेशन कम रहेगी, क्योंकि लास्ट में 5वें नंबर पर खेले थे, लेकिन बैटिंग ऑर्डर कोई फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि टॉप में खेलने वाले प्लेयर जो है ना वो काफ़ी नीचे खेले, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। शाहनवाज खान जो कि रेगुलर यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर 4थे या 5वें नंबर पर खेलते, लास्ट मैच के अंदर 6ठे नंबर पर खेले, ओवर्स करवाए, काफ़ी तगड़ा गेंदबाज है। इवन ये पिछले 2-3 आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर तो नहीं खेले, लेकिन शुरुआत की 2023 की शुरुआत के अंदर खेले थे, और वहाँ पर हमारे कुछ मैचेस के अंदर हमने इनको कप्तान वाइस कप्तान भी किया था। काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है, मैं ऑलराउंडर करूँगा इनको, इनको मैंने गेंदबाज या बैट्समैन नहीं कहेंगे, इनको ऑलराउंडर करेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी बैटिंग भी करवा लेते हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से एडवांटेज दे सकते हैं। सज्जाद मलिक पिछले कुछ मैचेस के अंदर ओवर्स नहीं करवा रहे, तो अभी के लिए इनको लेके जाना रिस्की है। हालांकि एक चीज़ आपकी माइंड में होनी चाहिए कि अगर इन्होंने 2-3 ओवर्स की गेंदबाजी करवा ली तो पक्का यहाँ पर 2-3 विकेट भी निकाल के देगा। मोहम्मद नदीम जो कि मैक्सिमम टाइम यहाँ पर 3रे या 4थे नंबर पर खेलते हैं, लास्ट मैच के अंदर 8वें नंबर पर आए। क्यों? क्योंकि लास्ट मैच के अंदर देखो शुरुआत यहाँ पर तगड़ी रही थी, मैंने बताया ना लास्ट मैच के अंदर यहाँ पर इस टीम ने यहाँ पर 226 रन किए थे, जहाँ पर एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली शाहबाज अली और जिसान आबिद के बीच में। इसके बाद फिर टीम ने क्या किया ना, यहाँ पर इन सारे प्लेयर्स को मतलब दिया मौका, तो कहीं ना कहीं नदीम जो है शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं
अगर विकेट जल्दी गिरेगी तभी नदीम आएंगे, अगर विकेट जल्दी नहीं गिरेंगे तो उस कंडीशन में जो टीम जो है काफ़ी सारे बदलाव कर सकती है, जैसा कि लास्ट मैच के अंदर देखने को मिला। अवे सरफराज इसने अच्छे फॉर्म में लेके जा सकते हैं, बाकी सदफ हुसैन ने लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाला था, डिफरेंशियल में ले सकते हैं। बाकी फलक नूर सिद्दीक जो कि पिछली टूर्नामेंट के अंदर रेगुलर इन्होंने डेथ ओवर्स में गेंदबाजी की थी, तो कहीं ना कहीं आप लोग इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। शायद स्टार्टिंग में पर एस हुसैन और उबेदुल्ला मोहम्मद, डेथ ओवर्स में पर नासिर फराज और यहाँ पर शाहनवाज खान। इसके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स अपडेट वगैरह टेलीग्राम में दिए जाएंगे, टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसी लिंक से ज्वाइन करना है। यहाँ पर 2 प्लेयर जो है यहाँ पर मोहम्मद रोहित खान और उस्मान खान, ये दोनों PSL में अवेलेबल है, तो ये दोनों तो नहीं खेलेंगे ये तो पक्का है। बाकी कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम में दिए जाएंगे। DD की जब बात करते हैं यहाँ पर 3 में से 2 मुकाबले इनके अबार डोनेट हुआ, लास्ट मैच यहाँ पर जीत के रही 219 रन किए थे, अच्छी शुरुआत की यहाँ पर। आर्यन शर्मा वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, विकेट कीपिंग सेक्शन से डेफिनेटली लेके जाना है। हरि प्रसाद भी आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, दोनों यहाँ पर अच्छे फॉर्म में। देखो हरि प्रसाद पिछली टूर्नामेंट के अंदर 2 बार लगातार इन्होंने 60+ किए थे, तो यहाँ पर रहेंगे। लेकिन आज चॉइस 3 है आपके पास, आर्यन शर्मा, हरि प्रसाद और सामने वाली टीम से जिसान अबिद, जिन्होंने लास्ट मैच के अंदर 74 रन किए। हालांकि इनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसे इन दोनों में से किसी एक को लीजिएगा, जिसमें से यहाँ पर मेरा भरोसा आर्यन शर्मा। विष्णु सुकुमारन ने 93 रन किए, वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा भाई, इस लेवल के मैचेस की उम्र खेल सकते हैं। हालांकि ये जो है ना, ये विष्णु सुकुमारन ये TVS के लिए भी खेल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये सामने वाले प्लेयर्स को अच्छे से जानते हैं, तो ले सकते हैं यहाँ पर। मयंक राजेश कुमार ने लास्ट मैच के अंदर 51 रन के साथ 2 विकेट निकाले थे, बाकी बैटिंग और बॉलिंग से आपको एडवांटेज दे सकता है। अली गुहार वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, कंसिस्टेंट आपको विकेट निकाल के देंगे। इसके लिए वैसे बात करते हैं पर अब्दुल अजीज अंसारी, रिस्की तौर पर डिफरेंशियल में इनको ट्राई कर सकते हैं। हारून घोष वैसे प्लेयर अच्छा है, लेकिन लास्ट में क्या काफ़ी नीचे खेला, जैसे सामने वाली टीम से हमने देखा मोहम्मद नदीम, इसी तरह इस टीम से हमने हारून घोष को देखा जो कि काफ़ी नीचे खेले, हालांकि खेलने चाहिए थे या तीसरे या चौथे नंबर पर। तो हारून घोष को आप लोग चाहो तो रिस्क ले सकते, क्योंकि अगली मैच के लिए टॉप में खेलता हुआ नजर आ सकता है। आदिब उस्मानी ने लास्ट में एक ही ओवर की गेंदबाजी की, लेकिन आए थे वो डेथ में, बाकी बॉलिंग से एक्सपेक्टेशन है भी नहीं, बॉलिंग बैटिंग अच्छी करवा लेता है, तो ये भी टॉप में खेलने के चांसेस हैं इनके। देखो यहाँ पर 68, 72, 53 ये लास्ट जब खेले थे वहाँ पर हैं। मोहित राघव ने पिछली टूर्नामेंट के अंदर शुरुआत की मैचेस के अंदर ओपनिंग करवाया था, तो ये बंदा भी टॉप में आ सकता है, तो इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर टॉप में खेलता हुआ नजर आएगा आपको, हारून घोष, मोहित राघव और यहाँ पर उस्मानी। इसके अलावा से चरित निर्मल को डिफरेंशियल में ले सकते हो, बाकी शकीर अजीज अफरीदी वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इस प्लेयर को ड्रॉप नहीं करना, ये बंदा आपकी टीम का हिस्सा होना चाहिए। स्टार्टिंग में यहाँ पर शकीर अजीज अफरीदी और मोहित राघव, डेथ ओवर्स में यहाँ पर आदिब उस्मानी और मोहित राघव डेथ में डालेंगे। इसके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स अपडेट वगैरह टेलीग्राम में दिए जाएंगे, टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसी लिंक से ज्वाइन करना है अभी के लिए। देख लेते हैं हमारी डेमो फैंटेसी टीम कौन सी हो सकती है, कौन से प्लेयर को हम लोग लेके जा सकते हैं और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ पर आर्यन शर्मा हमारी टीम के अंदर रहेंगे, बाकी आप लोग जिसान अबिद को ले सकते हैं, आपकी चॉइस रहेगी। बैटिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर हरी प्रसाद को नहीं लिया, मैंने यहाँ पर लिया आली अबिद को, मैंने आपको बताया ना मैं एक रिस्क लूँगा यहाँ पर। मयंक राजेश कुमार, नासिर फराज और इनके साथ विष्णु सुकुमार हमारी टीम के अंदर रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर अली गोहार, मोहम्मद नदीम, उबेदुल्ला मोहम्मद और इनके साथ यहाँ पर शहबाज अली हमारी टीम के अंदर रहेंगे। यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन से अवे सरफराज, इनको देख के मुझे कुछ याद आता है, अगर आप लोग सॉरी यहाँ पर जॉक सफर, लेकिन कुछ तो मैं कहना जरूर चाहूँगा, ये आउट ऑफ कंटेंट है हमारे लिए, लेकिन इनको देख के ना मुझे वो तारक मेहता वाला कैरेक्टर याद आता है, कैम छो बका बका पार्टी। ओके, शाहनवाज खान हमारी टीम के अंदर रहेंगे यहाँ पर, और अवे सरफराज रहेंगे, बाकी तो यहाँ पर सैयद अजीज अफरीदी हमारी टीम के अंदर रह सकते हैं, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बाकी फलकनूर शकीब जो कि पिछली बार डेथ ओवर्स में गेंदबाजी किए थे, तो हो सकता है इस मैच के अंदर भी करवा ले, चाहो तो ऐसे इनको ट्राई कर सकते हैं। टीम की बात करते हैं तो टीम को जिस तरह से रहेगी हमारी, कप्तान हमारे ऐसे शाहबाज अली रहेंगे, वाइस कैप्टन ऐसे विष्णु सुकुमारन रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर चॉइसिस की बात की जाए तो चॉइसिस में आई थिंक एक यहाँ पर नासिर फराज अच्छे फॉर्म में, और इसके साथ इस प्लेयर को मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है, लास्ट मैच के अंदर वोस नहीं करवाया, इसके पहले वाली टूर्नामेंट के अंदर भी नहीं करवाया था, लेकिन एक्सेप्टेशन है, तो चाहो तो एक रिस्क इनके ऊपर ले सकते हैं। बाकी मेरी टीम इस तरह से रहेगी, इसमें हालांकि लाइनअप के बाद कुछ चेंजेस वगैरह रहेगा, तो फाइनल आपको जो भी टीम रहेगी अपडेट रहेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस की वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ा है, हमने नया चैनल बनाया पर FDC 11, जहां पर हम क्वालिटी मैचेस कवर करते हैं, तो क्वालिटी मैचेस यानी कि WPL इनके साथ यहाँ पर PSL
इसके साथ आईपीएल भी शुरू होने वाला है, तो ये सारी मैचेस के वीडियो आपको उसी चैनल के ऊपर मिलेंगे, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो ताकि वहाँ पर भी वीडियो जल्दी से मिल जाए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।